यूथ कांग्रेस की तरफ से बुधवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का आयोजन किया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भी प्रदर्शन में शामिल हुए। सभी कार्यकर्ता जयपुर के शहीद स्मारक पर इकट्ठे हुए। इसके बाद कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए अपने प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री के आवास के घेराव के लिए रवाना हुए। इन सभी कार्यकर्ताओं ने रोजगार और किसानों को सम्मान देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास का घेराव करते समय यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और पुलिस कर्मियों के बीच तीखी झड़प हुई। इस बीच पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोक दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी। इस पर पुलिस की ओर से कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज भी किया गया। इसके अलावा वाटर कैनन का भी पुलिस ने उपयोग किया। पुलिस को कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा। वहीं यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास भाजपा पर जमकर बरसे। उन्होंने कहा कि भाजपा ने लोगों से झूठे वादे कर सरकार बनाई है। सरकार ने लोगों से किया हुआ एक भी वादा पूरा नहीं किया है। इस दौरान प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष अभिमन्यु पूनिया ने भी भाजपा सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रोजगार के लिए सरकार कोई काम नहीं कर रही है। यही नहीं, 5,000 युवा मित्रों को नौकरी से हटा दिया। उन्होंने कहा कि भजनलाल सरकार 2.5 महीने में भी जनता का विश्वास नहीं जीत पाई है। इस दौरान विधायक मनीष यादव, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर समेत कई नेता और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे।